डिस्टेंस बनाओ। टुडे वी आर ऑफ नो अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। इन द प्रीवियस सेशन वी डिस्कस अबाउट द रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ठीक, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फर्मेंटेशन। टुडे वी ऑल ऑफ नो अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक रिस्पायरेटरी पाथवेज इज अ एम्फीबोलिक पाथवेज। रिस्पायरेटरी पाथवेज रिस्पायरेटरी पाथवेज इज एम्फीबोलिक पाथवेज। रिस्पायरेटरी पाथवेज इज एम्फीबोलिक पाथवेज। एम्फी मींस आप पढ़े होंगे एम्फीबिया, एक वर्ड था एम्फीबिया, एक फाइलम था। तो व्हाट इज द एम्फीबिया? द एनिमल्स विच लिव इन बोथ एक्वाटिक हैबिटेट एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो हेयर इज द टर्म्स एम्फीबोलिक। एम्फी मतलब बोथ होता है एंड बोलिक मींस मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो यहां कहा जा रहा है कि रिस्पायरेटरी पाथवेज इज एम्फीबोलिक पाथवेज, मींस रिस्पायरेशन वह प्रोसेस है जिसमें कैटाबॉलिज्म भी होती है और एनाबॉलिज्म भी होती है। मेटाबॉलिज्म के टू पार्ट्स हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो कैन यू डिफाइन व्हाट इज द कैटाबॉलिज्म? What is the catabolism? Breakdown of substances. The breakdown of substances into other parts or simpler forms is known as catabolism. And anabolism? Anabolism kya hai? सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड्स। किसी न्यू कंपाउंड की जो सिंथेसिस है, नया कंपाउंड्स बनता है, उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? एनाबॉलिज्म, ठीक। तो रिस्पायरेशन में ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, कौन कौन से? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एम्फीबोलिक पाथवेज। जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाई रिस्पायरेशन इज नोन एज एम्फीबोलिक पाथवेज। रिस्पायरेशन को हम एम्फीबोलिक पाथवेज क्यों कहते हैं? एनाबॉलिज्म दोनों होता है, बस सिंपल सी बात है। बिकॉज द रिस्पायरेशन, इन रिस्पायरेशन बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस, दैट इज द कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म, ठीक। यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। जैसे जो कंपाउंड्स इस प्रोसेस में टेक पार्ट करते हैं,
हाइट है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ठीक, तो फैट्स किसमें ब्रेक डाउन होता है? फैटी एसिड्स में। और प्लस इसका डेरिवेटिव ग्लिसराल, ग्लिसराल फैटी एसिड, ग्लिसराल। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है मोनोसैकेराइड, हाँ, अमीनो एसिड्स, हाँ, फिर पाइरूविक एसिड। और ग्लिसराल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन फॉस्फेट। और क्रेब्स साइकिल दिखाई नहीं दे रहा, क्रेब्स साइकिल भी यही कर करता है। इसका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है ग्लिसरल डिहाइड प्लस थ्री फॉस्फेट, ग्लिसरल डिहाइड बुक में, हाँ, फॉस्फेट ठीक। इस तरीके से यहां ये जो फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन ये सब क्या है? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। क्या है? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हमने आपको बताया था द कंपाउंड्स विच यूज इट ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के समय जो कंपाउंड यूज होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो ये बर्न होते हैं और सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं, यहां ब्रेक डाउन होते हुए लिखा जा रहा है, और नए कंपाउंड की सिंथेसिस भी हो रही है, इसलिए यहां पे दोनों हो रहा है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एम्फीबोलिक पाथवेज। समझ में आ गई बात? रिस्पायरेशन इज नोन एज एम्फीबोलिक पाथवेज ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पायरेटरी क्वेश्चेंट, रिस्पायरेटरी या रिस्पायरेटरी रेशियो भी कहते हैं इसको, चाहे आप रिस्पायरेटरी क्वेश्चेंट कहिए या रिस्पायरेटरी रेशियो कहिए, शॉर्ट में इसके लिए टर्म यूज करते हैं आरक्यू, आरक्यू। आरक्यू क्या है? व्हाट इज द आरक्यू?
द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन प्रोसेस इज नोन एज क्वेश्चन या रिस्पायरेटरी रेशियो. RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व निकलना मतलब बाहर निकलना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम. ठीक रिस्पायरेशन प्रोसेस में हम जो इसकी रेट है इसका रेशियो कैसे पता करेंगे वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व कितनी क्वांटिटी में CO2 रिलीज हुई उसको डिवाइड कर देंगे किससे कितनी ऑक्सीजन हाँ यूज हुई. तो फॉर एग्जांपल जैसे रिस्पायरेशन का है C6H12O6 plus 6 O2 gives out 6 CO2 6H2O plus NH3 6H2O plus NH3 प्लस एनर्जी. ठीक ये अब यहां पे हम देख रहे हैं कि कितनी CO2 रिलीज हो रही है 6 कितनी O2 कंज्यूम हो रही है 6 बाई 6 इक्वल टू 1.0 कोई मतलब नहीं. तो कार्बोहाइड्रेट ही तो ग्लूकोज का जो RQ आया वो कितना आया 1 आया. ठीक 6 by 6 = 1. ठीक तो हमेशा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका RQ कितना आता है 1 आता है. क्यों क्योंकि जितनी भी अमाउंट में ऑक्सीजन यूज होगी उतने ही अमाउंट में CO2 इवॉल्व होगी. तो हमेशा जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका RQ कितना होता है 1. ये पूरा जल जाता है ये पूरा बर्न हो जाता है इसीलिए. ऐसे ही फैट्स का है इतना याद रखिए कि वन होता है हमेशा कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है प्रोटीन और फैट्स का लेस देन 1 होता है. ठीक और ऑर्गेनिक एसिड्स का हमेशा मोर देन 1 होता है. इतनी सी बात आपको याद रखनी है. ठीक द RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑलवेज 1. फैट्स का कितना होता है लेस देन 1. प्रोटीन का मोर देन 1 नहीं लेस देन 1. ऑर्गेनिक एसिड्स मोर देन 1 हाँ निकालनी तो नहीं है ना नहीं. मोर देन 1 होता है. ठीक इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी RQ के लिए. ठीक
चैटरिंग ओवर, बहुत छोटा चैप्टर ठीक बड़ा। जैसे कुछ क्वेश्चन हम माँ से पूछे, व्हाट इज द ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एनीवन कैन डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? व्हाट इज द ग्लाइकोलाइसिस? इन दिस प्रोसेस द ग्लूकोज ब्रेक डाउन इंटू पाइरूविक एसिड, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है। द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और एक ग्लूकोज से टू पाइरूविक एसिड्स फॉर्म होते हैं। दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यह प्रोसेस कहां होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। एंड इट इज कॉमन फॉर द एरोबिक रिस्पायरेशन एज वेल एज एनारोबिक रिस्पायरेशन, ये दोनों के लिए कॉमन है, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक के लिए एक कॉमन प्रोसेस है। पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर आगे का फ्यूचर होगा, ठीक। क्रेब्स साइकिल, दिस साइकिल वॉज प्रपोज बाय द साइंटिस्ट हैंस क्रेब, हैंस क्रेब ने इस साइकिल को प्रपोज किया था, दिया था, और इसमें क्या होता है, पाइरूविक एसिड का कार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे एस्टिल को एंजाइम बनता है और वो एस्टिल को एंजाइम डिफरेंट टाइप के एसिड्स में फॉर्म होता है, कन्वर्टेड होता है, जैसे सिट्रिक एसिड, सिस्टेकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा केटोग्लुटारिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ठीक, मैलिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड एंड ऑक्सैलो एस्टिक एसिड, ये वन बाय वन एसिड साइकिल के रूप में कन्वर्ट होते रहते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। समझ आई बात, कुल 30 एटीपी फॉर्म्स होते हैं ड्यूरिंग द 30 क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में 30 एटीपी बनते हैं और ग्लाइकोलाइसिस में 8, कुल कितने एटीपी फॉर्म हुए, 38, ठीक, 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ऐसे और एक टर्म था फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज द टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन इन विच कार्बोहाइड्रेट और अदर कंपाउंड्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, हाँ, जैसे फ्रूट्स है, सीड्स हैं, ठीक है, जौ है और जितने भी सीड्स हैं उसको फर्मेंटेशन करते हैं और जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, हाँ उसमें भी होता है। नेम द सुगर दैट नॉर्मली इंटर ग्लाइकोलाइसिस, उस सुगर का नाम बताइए जो
नॉर्मली ग्लाइकोलाइसिस में इंटर करती है। क्या नाम उसका? ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस का डायग्राम देखिए, बना होगा। हाँ ये है, तो सबसे पहले क्या है? ग्लूकोज इक्वल कर रहा है। ग्लूकोज लास्ट में कितना चल रहा है? पाइरूविक एसिड से। इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। ये जो अभी हमने बताया कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से जनरली 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक। कभी कभी ये 36 होता है। अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो NADH के थ्रू जाते हैं, NADH के थ्रू रिड्यूस होते हैं, तो एक NADH से कितना एटीपी बनता है? 38। एक NADH से, हाँ, 380। जब इलेक्ट्रॉन उसमें रिड्यूस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन NADH के थ्रू रिड्यूस होता है, तो एक NADH मॉलिक्यूल से 380 का फॉर्मेशन होता है। अगर वही इलेक्ट्रॉन FADH के थ्रू जाता है, FADH, तो एक FADH से 280 का फॉर्मेशन होता है। अब उस समय क्या कंडीशन है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो NAD के थ्रू रिड्यूस हो रहा है या FAD के थ्रू, तो उसमें दो संख्या घट जाती है। अगर FAD के थ्रू होता है तो 36 ATP फॉर्मेशन होता है, अगर NADH के थ्रू होता है तो 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। इस बात को ध्यान देंगे, समझ में आ गई बात? को सटल रिएक्शन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाए, जितना हो जाएगा हो जाएगा। सर, NCERT किस तरह क्वेश्चन आया? जैसे NCERT है, हाँ, NCERT का मोस्टली वही 99% वही प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। एनीवन कैन डिफाइन व्हाट इज द ग्रोथ? ग्रोथ है क्या? हाउ कैन यू डिफाइन ग्रोथ? हर लिविंग थिंग्स में पाई जाती है क्या ये ग्रोथ? और स्पेशली प्लांट में बताना है। हाँ बताइए। इंक्रीज इन साइज एंड मास। इंक्रीज इन साइज एंड मास। फंडामेंटल ऑफ, हाँ, तो ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंजेस इन द प्लांट्स पार्ट्स या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो फिर से बैक नहीं हो सकते, वो क्या कहलाएगा?
ग्रोथ। अच्छा एक बार पेड़ मतलब पौधा बड़ा हो गया, अब छोटा छोटा नहीं हो सकता, नहीं, ये ग्रोथ कहलाएगा। अब जैसे किसी सेल में मान लीजिए सीड है, आपने रेजिन किशमिश आपने ले लिया, किशमिश को पानी में डुबो दिया, बाद में बाहर निकाला फिर सिकुड़ गई, रिवर्सिबल ग्रोथ नहीं कहलाएगा। इररिवर्सिबल चेंजेस जो फिर डिक्रीज ना हो वो क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। चना में क्या है, चना में क्या, जैसे जैसे चना मतलब उसको भेजे तो थोड़ा बड़ा हो, सेब बड़े सेब हो जाए तो फल वो निकलने लगता है, फिर छोटा, हाँ छोटा नहीं होता, जब वो जर्मिनेशन के समय, हाँ वो अलग चीज। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को कैसे हम मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स यूज होते हैं, उस पैरामीटर का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं, नहीं। ठीक, जैसे उसका फ्रेश वेट, एक प्लांट लिया गया, आज हमने उसका वेट लिया, आफ्टर टू डेज दो दिन बाद या वन वीक बाद नेक्स्ट मंथ हमने फिर उसका वेट लिया, तो अगर हमको वेट उसका बढ़ा दिखाई दिया तो इसका मतलब है ग्रोथ हो रही है, है? तो कहां ग्रोथ हो, तब कहां ग्रोथ हो, बढ़ा रहेगा तब ग्रोथ हो, घट नहीं जाता। या हम ड्राई वेट लेकर के पता कर सकते हैं, ड्राई पहले लिए वेट, ठीक, ड्राई वेट, हाँ सूखा सूखने के बाद, या उसकी लेंथ को मेजर करके, आज हमने मेजर किया इतना लेंथ है उसकी, आफ्टर वन वीक आफ्टर वन मंथ हमने फिर उसको लेंथ उसकी देखा कि अगर वो एक सेंटीमीटर या कुछ मिलीमीटर इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, या उसका एरिया देख करके हम भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, ग्रोथ होता रहता है हरदम, टू टाइप की होती है, जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है, हाँ लाइफ टाइम तक होती रहती है, जबकि एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो डिटर्मिनेट एक निश्चित एज के बाद पहुंचने पे वो वहीं पे रुक जाएगी, फिर आगे ग्रोथ नहीं होगी। लगता तो नहीं सर, होती है ग्रोथ पेड़ में, लगता तो नहीं होती रहती है, अगर एक सूखी तो हाँ उसका एरिया बढ़ता रहता है, नई नई पत्तियां निकल रही, नई नई टहनियां निकल रही, उसमें हमेशा चलती रहती है, उसका साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता रहता है और मतलब एरिया भी कवर जाने लगता है। और दूसरा है सेल नंबर, सेल को काउंट करके आज कितनी सेल्स हैं आफ्टर वन वीक, बड़ा पेड़ तो नहीं ना, हाँ नहीं उसके लिए कुछ डिवाइस यूज होती है, उसको पता कर लेंगे कि सेल आज कितनी है और नेक्स्ट आफ्टर फ्यू डेज कितनी है, तो अगर सेल इंक्रीज हुई मिलेंगी तो ये पता चल जाएगा कि हाँ ग्रोथ हो रही है। तो इट इज द डिफरेंट पैरामीटर्स बाय विच वी मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक। और हमने ये आपको बता दिया कि ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ कैसी है, इनडिटर्मिनेट है, लाइफ टाइम है, जबकि एनिमल की ग्रोथ डिटर्मिनेट है, एक निश्चित अवसान है। दूसरा है फेसेस ऑफ ग्रोथ, कितने प्रकार ग्रोथ में कितने फेस होते हैं, फेस मतलब सर अवस्थाएं,
फेसेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ में कितनी फेसेस होती हैं? थ्री फेसेस। नंबर वन मेरिस्मेटिक, इलांगेशन और मैच्योरेशन। पहली ग्रोथ है, पहली फेस है मेरिस्मेटिक, इलांगेशन, मेरिस्मेटिक, इलांगेशन, एंड थर्ड इज मैच्योरेशन। मतलब इन नाम से जाना जाता है, उनके नाम ये हैं, उसका मतलब ये कहने का। नेमली मतलब ये नाम है उनके, मेरिस्मेटिक है, इलांगेशन है और मैच्योरेशन। थ्री फेस होती है। रूट में सर? रूट है, स्टेम है, दोनों जगहों के ऊपर। रूट में भी होता है और स्टेम में भी होता है। स्टेम भी तो इलांगेट करता है और नीचे रूट करती है, ऊपर स्टेम करता है। दवा खाते है ना? कौन सी दवा? कुछ दिक्कत है क्या? किस चीज? अरे इंफेक्शन है ना शरीर में। किस चीज का है? वो विटामिन बी की कमी है, विटामिन बी वाला बीटल। रात में लेना चाहिए ज्यादातर, वैसे उसमें सिट्रीजिन वगैरह नहीं दिए हैं? नहीं, एलर्जी को नहीं दे दिए हैं? नहीं, होगी जरूर, तभी नहीं जा रही। नहीं कहाँ से? एक्टिव है। तो फर्स्ट है मेरिस्टमैटिक। मेरिस्टमैटिक ग्रोथ में क्या होता है, इस फेस में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होती है और नई नई सेल बनती रहती है। एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, ऐसे ही कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है और उसके नंबर जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक। दूसरा है इलांगेशन फेस। इलांगेशन फेस में जो सेल है उसकी जो अंदर के प्रोटोप्लाज्म है वो सारी चीजें उसकी बढ़ती है। ग्रोथ इसमें यहां से होगी, वहां डिवाइड होगी, सो यहां होगी। हाँ। फिर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में जो भी सेल है उसके सारे इंटरनल पार्ट कंप्लीटली डेवलप हो जाएंगे, रूट हेयर कहीं भी होगी वो मैच्योरेशन हो जाएगा, रूट हेयर या शूट कहीं भी होगा वो। तो ये थ्री फेसेस होते हैं, मेरिस्टमैटिक, इलांगेशन और मैच्योरेशन। सर जो स्टेम होता है वो इंडोजिनियसली होता है? कौन सा? इंडोजिनियसली।